बर्बरता के बाद मारपीट के विरोध में ब्राह्मण समाज ने रोष जताया और ज्ञापन दिया। धार निवासी रचना शर्मा के साथ चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान इंदौर के तिलक नगर थाने में पुलिस के एक आरक्षक द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन पीएम थाना प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसे लेकर औदिच्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज सेंधवा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है। ये ब्राह्मण समाज की धार की बेटी है, जिसके साथ इंदौर तिलक नगर की पुलिस ने जो है बर्बरतापूर्वक मारपीट की है और एक माह पुरानी चोरी कबूल करवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक महिला और एक पुरुष आरक्षक को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आरक्षक को तो सस्पेंड किया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है एसपी और जो इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करे, उनको बचाया है। और जो उनकी ननन है सीमा शर्मा, वो अभियोजन अधिकारी है, पुलिस में प्रभाव रखती है, इसलिए दबाव बनवा के वो कार्रवाई करवा रही है। इंदौर के मूसाखेड़ी में 2 साल के मासूम बच्चे के गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद तो पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है, जहाँ बच्ची अचानक खेलते हुए गैलरी से झांकने लगी और हादसे का शिकार हो गई। घटना के वक्त परिजन मौजूद नहीं थे। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी कमला नगर में रहने वाले पिता राजकुमार पाटिल की 2 साल की मासूम बच्ची अनिका पाटिल अचानक खेलते वक्त दूसरी मंजिल से गैलरी से झांक रही थी। इसी दौरान बच्ची नीचे गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि मां ऊपर 6 साल की बच्चे के साथ नीचे सब्जी लेने गई थी, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक होशंगाबाद का परिवार है जो कमल नगर में किराए से रहते हैं। तो राजकुमार की बच्ची है अनिका, ये 2 वर्ष की है, कल शाम को अपना छत की गैलरी है वहाँ पर खेल रही थी। करीब 5:30 बजे अचानक गिर पड़ी, इन्होंने एडमिट किया हॉस्पिटल में, जिसकी रात को करीब 9 बजे मृत्यु हो गई। भोजपुरी लोक गायिका नेहा राठौर का इंदौर में विरोध प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिलाओं ने रीगल चौराहे पर किया विरोध। शुक्रवार को इंदौर के रीगल चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा लोक गायिका नेहा राठौर के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिला मोर्चा का कहना था कि नेहा राठौर को शर्म आना चाहिए, वो जिस प्रकार से शिवराज सिंह के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बात कर रही है और शिवराज मामा को कंस बता रही है, वहीं नेहा राठौर ने अपने लोक गायन में कंस और शकुनी तक कहने के बाद सीधे तौर पर वो शिवराज मामा को दर्शा रही है। इसको लेकर महिला मोर्चा एकजुट हुई। वहीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष शैलजा मिश्रा का कहना था कि जल्द नेहा के खिलाफ ही प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। गायिका है नेहा राठौर कर उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया है, जिसमें हमारे शिवराज मामा को कंस और शकुनी का मतलब दर्जा दिया है, तो उसी के विरोध में आज पूरी महिला मोर्चा यहां विरोध कर रही है। खेतिया थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पकड़ा। गिरोह ने करीब 20 से 25 घरों में तोड़े ताले, 2 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, एक अपाचे बाइक व 1 लाख रुपए जब्त। खेतिया सेंधवा मार्ग स्थित गायत्री कॉलोनी में सूने पड़े जगदीश शर्मा के मकान में 11 अप्रैल की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर नकदी जेवरात सहित कुल 3 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की। पुलिस टीम द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। फुटेज के आधार पर जानकारी में आया कि अपाचे मोटरसाइकिल पर चोरों द्वारा खेतिया के सूने मकान पर चोरी की गई। पुलिस के अनुसार अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है, जिसने 20 से 25 घरों में ताला तोड़ा है। इन चोरियों का प्रमुख आरोपी बड़वानी पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपियों द्वारा चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह ने महाराष्ट्र गुजरात में भी चोरियां की हैं। पुलिस थाना परिसर खेतिया पहुंचकर एसडीओपी ने खुलासा किया, लगभग 1 लाख व अपाचे बाइक को जब्त किया है। ये देखिए 11 अप्रैल को एक कस्बा खेतिया में एक चोरी हुई थी, नकबजनी की जो सुबह सुबह की घटना थी। इस घटना में के बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़ाई से निर्देश दिए गए थे कि इस चोरी को ट्रेस करना है। इसमें लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग की गई और इसमें हमारी टीम के द्वारा लगातार कई सारे सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए। इस सीसीटीवी फुटेज चेक करने में हमें एक बाइक के बारे में पता चला और मुखबिरों से जमीन की सूचना लगी हमें, तो ये एक सिकली गिरोह का एक गिरोह के बारे में पता चला है, जिन्होंने महाराष्ट्र के कई जगहों में भी इन्होंने चोरियां करी है। मुखबिरों से पता करने पर इनके बारे में जब जानकारी मिली तो पुलिस के हमारी टीम के द्वारा इनकी घरों में दबिश दी गई, वहाँ से ये फरार हो गया था आरोपी।
इसके फरार होने के बाद में इसका पीछा करते हुए जब हमारी टीम को इसकी सूचना मिली तो इसको यहाँ खेतिया में घेराबंदी करके चोर को हमने अपनी गिरफ्त में लिया है।